हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिंसी कटियार पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपने प्यारे गणपति का फेवरेट मोदक, वो भी ओरियो वाला। ये फ्रेंड्स 30 रुपीज़ वाला ओरियो है। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना बस आज। और ये देखिए, ओरियो के बिस्किट से क्रीम आपको अलग कर लेनी है और बिस्किट को अलग कर लेना है। तो ये देखिए, क्रीम और बिस्किट अलग हो गया है। इसके बाद एक जार लेंगे जिसमें आपको ये ओरियो बिस्किट डाल देने हैं और इनका आपको एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। पाउडर बनाने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ओरियो बिस्किट का पाउडर बनकर तैयार है। ये देखिए आप, अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो क्रीम निकाल कर रखी थी उसमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल कर रख दिया था ताकि वो अच्छे से दूध में घुल जाए। और ये देखिए, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा दूध यूज करना है क्योंकि अगर ये ढीला हो गया तो फिर मोदक का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाते रहें इस तरह से, और एक एक चम्मच दूध ही डालें, फिर पाउडर को मिला लें और जब आपको कम लगे तो और डाल दें। तो पाउडर को लगभग 5 मिनट तक अच्छे से गूँथ लिया था, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, मैंने क्रीम में मिल्क डाल कर रखा था और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डेसिकेटेड नारियल मिक्स किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये बिस्किट के पाउडर को इस तरह से ले लिया, इसका पेस्ट बना लिया था जो, और बीच में क्रीम रखी है फिलिंग के लिए। बस आपको इस तरह से मोदक का शेप दे देना। यहाँ पर आपको किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, दूसरा भी आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में कहाँ मोल्ड्स होते थे, ऐसे ही तो बनाए जाते थे मोदक। और ये चॉकलेटी मोदक भी आप उनको बोल सकते हैं। और ये स्टफिंग वाले हैं, ये गणपति जी को ज़रूर पसंद आएंगे। तो इस तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मिल्क पाउडर के भी मोदक बनाए हैं, वो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। ये देखिए, मैंने एक छोटी सी वीडियो लगा दी है। अगर आपको मिल्क पाउडर वाले मोदक की रेसिपी चाहिए तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। गणपति बप्पा मोरया।